पावर बीआई में हम फंक्शंस डैक्स फंक्शंस की बात कर रहे हैं और डैक्स फंक्शन में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं स्विच फॉर्मूला। स्विच फॉर्मूला से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्विच फॉर्मूला में क्या है कि हमें ये चीज बतानी है, जो नेस्टेड इफ होता है उसमें जो चीजें होती है ना उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स है, राइट, मैं चाहता हूँ कि या कोई डेट है या कुछ डेज है, तो आपके पास सीक्वेंस के हिसाब से बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसका यूज किया जाता है स्विच में। जैसे न्यू कॉलम में हम आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं एरिया डीईपी और यहाँ देते हैं फॉर्मूला स्विच का, स्विच एक्सप्रेशन। तो हमने किससे सिलेक्ट करना है, हमें बोलना है हमें मान लीजिए कि नेम लेना है, नेम। अब यहां पे हम करते हैं कि अगर नेम अगर पूजा हुआ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए दैनिक, समझे। फिर दूसरी वैल्यू अगर मान लीजिए अगर नेम अगर अमर होगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, नोएडा, नोएडा। अगर नेम अगर साया जो है साया है साया हुआ तो रिजल्ट आना चाहिए कानपुर यूपी, समझे। एक तो इसी तरह से पहले आप दे दीजिए अपना फील नेम, उसके बाद क्या वैल्यू हो तो क्या रिजल्ट है, क्या वैल्यू हो तो क्या रिजल्ट है, वैल्यू रिजल्ट वैल्यू रिजल्ट वैल्यू रिजल्ट करते चले जाइए। ओके समझे, एक सर डाउट इसमें ना ना हो गया। तो इसमें आप इफ का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कई सारे इफ लगाने पड़ेंगे और इफ लगाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा जब आपके पास 10 20 25 कंडीशंस हो। तो यहां पे इसका हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये थी हमारी स्विच फॉर्म। स्विच फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ आ गया सर। स्विच फॉर्मूले के बाद लॉजिकल फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। तो लॉजिकल फॉर्मूले में हमने एंड फॉर्मूला कर लिया था और कर लिया था, नॉट की बात करें तो नॉट फॉर्मूला जैसे आपने कोई कंडीशन लगाया आपको लगा कि ये उल्टा हो गया तो उसको नॉट में डाल दें। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स देता है। और स्विच आपका इफ एरर का फॉर्मूला आपने बताया था आपको मैंने क्या यूज किया जाता है इफ एरर, कि अगर आपको लगा कि एक फॉर्मूला एरर दे रहा है, आपको लगता है कि एरर ही देगा तो इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इफ एजर फॉर्मूला है। इफ एजर फॉर्मूला एरर इफ एरर की तरह ही होता है कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है, इफ की तरह है। तो यहां पे हमने कर दिया कि क्या हुआ? नहीं, इसमें जैसे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो इफ फॉर्मूला जो हम लगाते हैं तो इफ फॉर्मूला में क्या होता है, वो अपनी वैल्यू खुद की डाल सकते हैं लेकिन ये जो है ट्रू एंड फॉल्स को ही शो करता है। इफ एगर जी, ओके, ठीक है ना। इसलिए होता है कि इसका यूज हम लोगों ने किया नहीं है, जिस थ्योरिकल पर है तो वही है। कोलैप्स फॉर्मूला जिसे आप बात करें, कोलैप्स फॉर्मूला का यूज जो होता है इसलिए डेटाबेस पे ये जो है ना मेजर्स फॉर्मूले हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले का रिजल्ट एक आता है और इसमें अलग चीज है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एवलेट फॉर्मूला के अंदर कोलैप्स वो ब्लैंक दे दिया है, ब्लैंक 10 और यहाँ पे डेट डाल दिया इसने, तो ये इसने 10 को रिटर्न किया। मतलब कि ये जो जो डेट आप डालेंगे जो नंबर्स एंड डालेंगे उसके बीच में जो पहला होगा ब्लैंक के बाद जो पहला होगा उसको शो करता है, ठीक है। जैसे आप वी लुकअप लगाओगे तो अगर सामने वैल्यू ब्लैंक होगी तो ब्लैंक ही शो कर देगा ना, ये आपको ब्लैंक को इग्नोर करेगा, अगली वैल्यू जो दिखेगी वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कोलैप्स के अंदर इसने तीन चीजें डाली हुई है, एक डाला हुआ है ब्लैंक,
दूसरा डाला हुआ टेन और तीसरा डाला हुआ एक डेट, दिख रहा है सर? तो ठीक है। रिटर्न क्या किया इसने? नंबर किया, टेन किया, क्योंकि ब्लैंक को इसने स्किप किया और टेन यहां पे इसने शो कर दिया। ओके ओके सर। इसका यूज हम आगे मेजर्स में से देखिए, सम और सम फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं, तो आगे चल के इस्तेमाल करेंगे हम इसको। ठीक है, ठीक। तो लॉजिकल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। यस सर। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले की। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मूला नहीं, सीक्वेंस चलते हैं ना सर। क्या है कि आगे की जो फॉर्मूलेज हैं उसको सीखने से पहले कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे आप समेक्स फॉर्मूला सीखने से पहले आपको फिल्टर का फॉर्मूला आना चाहिए। जी जी। तो समेक्स फॉर्मूला बिना फिल्टर के फॉर्मूले का उसका कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, ये है, समझ रहे ना? ओके सर। तो ऐसे सीक्वेंस है कि आपको कोई फॉर्मूला सीखने से पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए हम आपको इसके सीक्वेंस, क्योंकि ये तो अल्फाबेटिक सॉर्टेड है ना सर। जी जी। तो अल्फाबेटिक सॉर्टेड थोड़े चलेंगे, उस हिसाब से। ओके। तो एक बार हम इसकी वैल्यू को समझ लेते हैं कि इसमें क्या है, फिर इसको वन बाय वन हम इससे बात करेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले आता है आपका कंबाइंड वैल्यू। कंबाइंड वैल्यू एक कॉन्कैटेनेट की तरह होता है कि दो वैल्यू को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, दो और दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा। तो बोलेंगे सर कॉन्कैटेनेट क्या करता है? देखिए, कॉन्कैटेनेट सिर्फ टू टेक्स्ट को कनेक्ट करता है, लिखा हुआ ना कि ज्वाइन टू एंड मोर देन मोर टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इन वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो एक से ज्यादा में ये मर्ज करता है, और ये जो आता है आपका कॉन्कैटेनेट जो है ज्वाइन टू टेक्स्ट, जैसे कि और एंड फॉर्मूला, और फॉर्मूला ने बताया था कि आपको कि दो ही कंडीशन लेता है, बट एक्सेल में बहुत सारे ज्यादा कंडीशन लेता है। तो कॉन्कैटेनेट एक्सेल में तो कई सारे कंडीशन, कई सारे टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकता है, बट पावर बीआई में दो को ही कर सकता है। अब यहां पे आता है कॉन्कैटेनेट एक्स। तो एक्स जो है ये पूरी की पूरी टेबल को कॉन्कैटेनेट कर सकता है। जैसे दो टेबल आपके पास है, मान लीजिए कि एक टेबल है नेम और दूसरे टेबल में भी नेम है, दोनों नाम को कंबाइन कर देगा। एक्स जहां पे लगता है वो पूरी की पूरी टेबल को परफॉर्म करता है। ठीक है ना? ठीक सर। उसके बाद एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट क्या करता है? दो को मैच करता है। जैसे पावर बीआई में क्या है कि अगर राम इक्वल टू राम करते हो तो ट्रू दिखाएगा, अगर पहला राम कैप्स में भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए कि राम और राम का केस बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब कि अपर केस में होगा तो अपर केस में होना चाहिए, जैसे पासवर्ड टाइप। तो आप एग्जैक्ट का यूज करते हैं। फाइंड तो आप जानते ही हैं, फाइंड क्या करता है? ढूंढता है सर स्ट्रिंग को, कोई संख्या को एक नहीं। आपने एक्सेल में फाइंड यूज किया है कि नहीं? नहीं, क्या है ना, हां तो जो एक्सेल आपने किया है, एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस को फाइंड करेगा और उसका क्या रिटर्न करेगा? पोजीशन। ठीक है, ठीक। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं नहीं, क्लियर। अब आ जाओ सर फिक्स्ड पे। अब फिक्स्ड, फिक्स्ड जैसे कि आपने, आपको लगता है कि आपका डॉलर साइन या रुपीस साइन से फिक्स हो जाए तो हम फिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, राउंड से नंबर टू द स्पेस का एलिमेंट प्लेसमेंट एंड अंदर रिजल्ट टैक्स। अच्छा, फिक्स्ड करके उसी का रिजल्ट दे देगा। जी हां जी। फॉर्मेट फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला जो एक्सेल में होता है वही है, आप हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट से अलग करता है, लेन पढ़ा है सर मैंने, दो बार पढ़ा है, मिड भी पढ़ा है, रिप्लेस भी पढ़ा है। तो जो ऐसे वहां पे वही का रिप्लेस यहां पे सब्स्टिट्यूट का काम करता है। नहीं, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट एक ही अलग-अलग है, सॉरी। रिप्लेस करेगा पोजीशन के हिसाब से, रैप रिपीट करता है, राइट राइट सेलेक्ट करेगा, सर्च और फाइंड दोनों एक ही है। ठीक है, बट केस सेंसिटिव, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड केस सेंसिटिव है। सब्स्टिट्यूट किसी भी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, और एक कैर एंड कोड निकालता है, अपर में करता है, वैल्यू का फॉर्मूला देता है। ठीक है, अच्छा, पाइवट टेबल में भी यूज होते हैं ना ये फॉर्मूले सर? हाँ हाँ, पाइवट टेबल में भी इसी तरीके से आते हैं, मैंने देखे थे। अब आपको क्या करना है सर,
कि इन सारे फॉर्मूले को आप अपने पावर बीआई के